तो आज हम बात करेंगे एक्सेस के अंदर सीक्वल क्यूरी के बारे में। तो जैसे कि मुझे अगर डेटा का चाहिए, जो डेटा टेबल आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे इसमें से मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे चाहिए, जो कि हमने कल बात की थी। तो सिलेक्ट कमांड के बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं, सिलेक्ट कमांड क्या करता है। तो यहाँ हम लिखते हैं सिलेक्ट। अब यहाँ पे देना होता है फील्ड नेम कि आपके डेटा में फील्ड क्या है, सी नेम, सिटी, अमाउंट है, आईडी है। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने लिखा आईडी कॉमा सी नेम कॉमा अमाउंट, राइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम टेबल नेम डेटा। अब पे जैसे कि मैं इसको अगर सब सेव कर दूं और सेव करके मैं यहाँ इसको रन करता हूँ एसक्यूएल वन को, तो आप देखेंगे कि आईडी सी नेम और अमाउंट यहाँ दिख गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो आपका डेटा है उसमें आईडी सी नेम सिटी अमाउंट जो है वो टाइटल केस में, राइट, सी बड़ा है आईडी का, आईडी बड़ा है, सिटी बड़ा है, अमाउंट का ए बड़ा है, राइट। लेकिन सिक्वल के अंदर जब हमने लिखा तो यहाँ पे आईडी सी नेम अमाउंट छोटा है। क्यों? अगर हम इसकी व्यू की बात करें, अगर एसक्यूएल सिक्वल व्यू में जाते हैं तो आप यहाँ देखें कि हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी फील्ड का नाम अगर स्मॉल में या कैपिटल में लिखते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी में, मैं डेटा इंपोर्ट करने में कोई फर्क नहीं होगा, वो रीड कर लेता है। लेकिन अगर आपने जो जिस तरह से जिस लेटर में आपने लिखा है, आपकी जो डेटा होगी उस डेटा में, आपको डेटा शीट पे आते हैं डेटा में आपको उसी तरह का दिखेगा। अब वापस आते हैं सिक्वल व्यू पे। तो सिक्वल व्यू में यहाँ हमने एक चीज और बताया, यहाँ पे आपको वेयर कमांड, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो आपका सेमी कॉलन जो दिख रहा है, ये स्टॉपेड पॉइंट होता है कि हाँ यहाँ पे हमारा क्यूरी खत्म हो रहा है। देखिए मुझे इसमें अगर वेयर कमांड ऐड करने हैं तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा वेयर। वेयर हमने यहाँ पे दिया कि अमाउंट इज ग्रेटर देन 50, हमने क्या दिया अमाउंट ग्रेटर देन 50। तो क्या मुझे यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लगा देता है। फिर डेटा शीट व्यू पे हम आते हैं तो अब ये देखिए कि इसने 750 से ऊपर वाले को ही लिया हुआ है। अब मैं डेटा शीट व्यू में जाता हूँ तो ऑटोमेटिक वो सब मैंने सेव हो जाता है, तो आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे दो कंडीशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ, बोलता हूँ कि अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 80। वापस हम व्यू के अंदर आते हैं और डिजाइन व्यू में आते हैं, सो डिजाइन नहीं माफ कीजिएगा, डेटा शीट व्यू में। तो यहाँ आप देखेंगे कि 80 से बड़ा नहीं है और 80 से छोटा है और 50 से बड़ा है। तो इस तरह से एंड लगा सकते हैं। तो क्या कितने एंड लगा सकते हैं? आप जितना मर्जी उतना एंड इसके अंदर दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो कंडीशन हमें देना है कि यहाँ पे एंड हमने कर दिया एंड सी नेम इक्वल टू, अब जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में पूजा। तो यहां हमने अगर हमने इसकी डेटा शीट व्यू में जाकर देखे तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि पूजा नहीं है। सिक्वल भी मैं आता हूं, मुझे मान लीजिए पूजा और मोहन चाहिए, तो यहां पे मैंने इसको ब्रैकेट में रखा। आप देखिए इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं यहां पर, और हम यहां यहां पे देते हैं और सी नेम इक्वल टू, हमने कर दिया मोहन। ओके अब मैं इसके व्यू में डेटा शीट व्यू पे आते हैं, यहां देखिए मोहन आ गया, पूजा नहीं था बट मोहन आ गया। तो आप इसमें ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पे एन और दोनों लगाया हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो दिक्कत क्या होगी?
दिक्कत ये होगी कि मोहन और में चला जाएगा। एक तो मैं लगा हटा के बता ही देता हूं कि मैंने इसको हटा दिया और इस ब्रैकेट को भी हटा दिया और यहां के जो ब्रैकेट है इसको भी हमने हटा दिया। अब देखिए हम व्यू में डेटा शीट व्यू पे आते हैं। अब देखिए दिख रहा है सर, अब ज्यादा दिख हो गया। अभी ज्यादा क्यों हुआ, हम इस चीज को एक बार देख लेते हैं कि एसक्यूएल व्यू में हमने बोला कि अमाउंट इक्वल ग्रेटर देन 50 लेस देन 80 सी नेम पूजा और सी नेम मोहन। तो अभी क्या हुआ कि अमाउंट जो है वो मैच किया एंड में और इसमें से क्या हुआ कि इस सबको मैच किया, दिखा कि मैच किया मोहन मिल गया तो मोहन का पूरा डेटा उसने शो कर दिया। मतलब इससे पहले की जो कंडीशन है उसको उसने मैच नहीं किया क्योंकि तो यहां देखिए 43 भी आ रही है, 11 भी आ रही है, 27 भी आ रही है। तो उसने क्या किया, क्यूरी ने क्या किया कि कंपल्सरी नहीं किया कि अमाउंट ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 होना चाहिए। लेकिन जब इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे तो फिर वो कंसीडर करेगा कि भाई लेस देन ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। एक 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 कंडीशन इन दोनों को एक कंडीशन मानेगा और फिर वापस इन दोनों को एक कंडीशन मान लेगा। क्लियर है गोयल जी? सर एक चीज पूछना चाहता हूं सर, अभी समझो अपना अटेंडेंस का जो भी प्रेजेंट एब्सेंट है सर, बराबर उसको काउंट काउंट कमांड लगाना है, स्टेटस ये लेके उसका काउंट करके उसमें हो सकता है सर? हाँ होगा, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा ग्रुप कमांड। अच्छा। ग्रुप बाई ग्रुप बाई काम बराबर ठीक है ना, वो बताऊंगा अभी हम चल रहा है। ये समझ में आया सर, ये समझ में आया। को मैच कर लेते हैं तो आप यहाँ पे एंड और कंडीशन लगा सकते हैं, कई सारे कंडीशन लगा सकते हैं, एक सेम कंडीशन लगा सकते हैं, मिक्सअप लगा सकते हैं। देखिए जब मिक्सअप लगाएंगे तो आप अभी एक बार कंडीशन डिफाइन कर लीजिए कि कौन कौन जरूरी कंडीशन है, कौन होने चाहिए कौन नहीं होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम कंबाइन करते हैं बियर कमांड में। अब बियर कमांड में यहां पे एक चीज और आता है, यहां आता है कि शॉर्ट बाय, एक शॉर्ट बाय का भी कमांड आता है, इसके बारे में हम देखते हैं फिलहाल, इसको छोड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें इसमें अपनी एक फील्ड बनानी है, जैसे हमने यहां पे लिख दिया, हमने यहां पे लिखा यहाँ पे यस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.18 एज इन बड़ों को हमें जीएसटी राइट। अब इसको में आते हैं, देख गया सर? देख गया। अब जीएसटी को हमें इन्वर्टेड कॉमा लिखा कि हाँ इन्वर्टेड कॉमा भी आ गया, तो क्या हमें नहीं लिखना है? जी जरूरी नहीं है जीएसटी लिखना, और जीएसटी ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेगा, यहां भी इन्वर्टेड कॉमा देना जरूरी नहीं, नहीं राइट। तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आप अपना ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करें और लास्ट में एज ए और उस फील्ड का नाम क्या होना है वो आप यहां लगा सकते। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, जो लगाना है लगा सकते हैं। क्या इसमें बिल्ट इन फंक्शन भी लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्ट इन फंक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे फंक्शन लगा दिया, समझ लीजिए राउंड का, यहाँ पे आर ओ यू एन टी राउंड, और राउंड के अंदर में हमने ले लिया जी एस टी, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा जीरो, और यहाँ पे लिख दिया एज ए आर जी एस टी राउंड जी एस टी। अब इसकी हम इसमें व्यू में आते हैं, देखिए लिख गया सर। तो ओके, इन फंक्शंस आप यहाँ लगा सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। तो आप जो है आपने जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था और ये जो मल्टीपल कंडीशंस हमने बताया आपको,
इसमें मल्टीपल कंडीशन में एंड और बताया मैंने आपको, हाँ बराबर, नॉट इक्वल के लिए आप इसी को इस तरह से लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, ओके। और लाइक कमांड बताया था मैंने कि जैसे मान लीजिए कि आपका नाम मिलता जुलता है तो यहां पे आप लिख सकते हैं लाइक, सॉरी सी नेम लाइक इनवर्टेड कॉमा में स्टार्ट, ठीक है इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर, अगली क्लास में हम इससे आगे चीजों में पढ़ेंगे। ओके ठीक है सर।